हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्टैंडर्ड स्टेट डायमेंशन। दोस्तों सीडी की स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या है, सीडी में दोस्तों राइजर और जो ट्रेड आते हैं उनके स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या है, और दोस्तों सीडी में जो राइजर और स्टेट के जो नंबर्स निकालते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, राइट। और दोस्तों सीडी की कितनी जगह में बन सकती है या फिर कितनी जगह में नहीं बन सकती, सारी डिटेल दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों सीडी की जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक अच्छी सीडी अगर आपको बनानी है तो उसके क्या डायमेंशन होने चाहिए, वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको एक सीढ़ी का जो है प्लान देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीढ़ी है तो यहाँ से हम ऊपर चलेंगे तो ये जो पोर्शन आता है इसको क्या बोला जाता है, ट्रेड, ठीक है। तो ये ट्रेड है और ये जो वर्टिकल पोर्शन आता है उसे राइजर बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने स्टेयर बनाई है। टोटल देखिए स्टेयर के इसका जो फ्रंट लैंडिंग होता है जहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं वो भी दोस्तों 2.5 फीट से 3 फीट का हमारा होना चाहिए। उसके बाद ये जो पोर्शन है वो डिपेंड्स करता है राइजर और ट्रेड पर, ठीक है। ये अभी यहाँ पे मेरा 5 फीट और 10 इंच है, बट ये दोस्तों कम ज़्यादा हो सकता है अगर मैं राइजर और ट्रेड में मैं चेंजेस करूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे जो ट्रेड है वो 7 है और राइजर मेरे हो जाएंगे 8, राइट। राइजर दोस्तों ट्रेड से 1 ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे 7 है। 7 की जगह अगर 6 होते तो ये पोर्शन मेरा छोटा हो जाता और ये 10 की जगह 11 होता तो ये बड़ा हो जाता, ठीक है। इस तरह से डिज़ाइन होती है और फ्रंट ऊपर का जो मिडवे जो लैंडिंग होता है दोस्तों वो भी 2.5 फीट से 3 फीट का होना चाहिए। और एक जो स्टेयरकेस की फ्लाइट है वो भी दोस्तों 2 फुट 9 इंच से लेकर 3 फीट का मिनिमम होना चाहिए। अच्छा अगर स्टेयरकेस बना रहे हैं, कई जगह पे 2.5 फीट और 2 फीट का लिया जाता है, वो दोस्तों बहुत छोटा हो जाता है, वहाँ पे सामान भी हम ले जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम अगर स्टेयरकेस की वीट आपको रखनी है तो एक फ्लाइट की तो वो 2 फुट 9 इंच रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट के तक अच्छी लगती है, ठीक है। और उसी तरह से दोस्तों अपर पोर्शन में भी हम लैंडिंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये स्टेयरकेस में आप देखिए कि ट्रेड जो है 14 नंबर से, राइजर दोस्तों 16 है, ट्रेड की साइज 10 इंच है स्टैंडर्ड दोस्तों, और राइजर की साइज 7.5 है। 7.5 से हम कम भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 6.5 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं। 6 बहुत, अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप 6 ले सकते हैं। 6 के केस में दोस्तों दोनों के तरफ 9 फ्लाइट आएंगे, मतलब 18 दोस्तों ट्रेड आ जाएंगे, ठीक है। तो हम 6 नहीं लेंगे, हम 7.5 से चलेंगे, ठीक है। अब बात आएगी दोस्तों ये 14 और 16 नंबर्स आए कहाँ से, हमने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे 14 नंबर 14 है, 14 कैसे है, देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, मतलब 14 हो गए। तो ट्रेड 14, राइजर 16 कैसे हो गए, तो वो कैलकुलेशन मैं आपको करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको कैलकुलेट करना होता है नंबर्स ऑफ राइजर, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ राइजर कैलकुलेट करेंगे पहले, नंबर्स ऑफ राइजर, ठीक है। नंबर्स ऑफ राइजर का इक्वेशन आप है हाइट ऑफ फ्लोर, मतलब हमारी जो सीलिंग की जो हाइट है, डिवाइडेड बाय राइजर साइज। अब सब स्टार्ट होता है राइजर की साइज से कि आप क्या साइज ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 7.5 दिया है या फिर 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो राइजर की साइज यहाँ पे 7.5 है, मेरी फ्लोर हाइट मेरी 10 फीट है, डिवाइड बाय 7.5 इंच है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे फीट में। तो 10 फीट को हम कन्वर्ट करेंगे इंच में, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो ये 120 इंच हो जाएगा और 7.5 इंच हो जाएगा। तो ये नंबर राइजर हमारे कितने आ जाएंगे, राइजर की जो वैल्यू आएगी मेरी कितनी आएगी, 16 नंबर्स, ठीक है, 16 नंबर। तो राइजर मेरे 16 आ गए। अब बात करेंगे हम ट्रेड जो हमारा राइजर है, ठीक है। तब ये क्या हुआ कि राइजर जो होता है, ठीक है, अब ये जो 16 मिले ये टोटल मिले, राइट, राइजर जो मिले टोटल 16 मिले, ठीक है। तो अब ट्रेड हम फाइंड करेंगे, तो ट्रेड का एक सिंबल इक्वेशन है कि ट्रेड जो होता है इन वन फ्लाइट, राइट, ट्रेड जो होता है एक फ्लाइट, अभी ये जो है एक फ्लाइट है, ये सेकंड फ्लाइट है, तो ट्रेड जो होता है एक फ्लाइट में राइजर -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइजर -1, यहाँ पे राइजर माइनस
वन, ठीक है। तो ट्रेड जो है वन फ्लाइट क्या होता है, राइजर माइनस वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे एक फ्लाइट में राइजर कितने आएंगे, अभी ये 16 है राइट, तो एक फ्लाइट में राइजर मेरे कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। ये 16 डिवाइडेड बाय 8 तो माइनस वन, तो नंबर्स ऑफ ट्रेड मेरे कितने आ गए, 7 नंबर्स इन वन फ्लाइट। तो दो फ्लाइट और दूसरी फ्लाइट में कितने हो जाए, दूसरी फ्लाइट में भी 7, तो टोटल राइजर ट्रेड कितने हो जाएंगे, टोटल ट्रेड विल बी 7 + 7 14 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 आ गए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि राइजर एक बार आपने फाइंड कर लिया कि मेरे 16 राइजर है, मतलब एक फ्लाइट में वो एक फ्लाइट में हमारे जो राइजर आएंगे वो कितने आएंगे, 8 राइजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, तो ट्रेड कितने हो जाएंगे, 8 - 1 = 7, ट्रेड कितने हो जाएंगे, 8 - 1 = 7, ठीक है। राइजर एक फ्लाइट में 8 या फिर और दूसरी फ्लाइट में 8, मतलब 16 राइजर और 14 ट्रेड, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कैलकुलेशन होता है, स्टेयरकेस की डिज़ाइन होती है, ठीक है। दोस्तों इसके रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर कमेंट करिए, और दोस्तों उसका मैं आंसर जरूर करूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविक कॉन्सेप्ट।